अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है ये, दीपक में फूल बनना। भरे पड़े हैं वीडियो पूरे यूट्यूब पे, कोई बताता है नकारात्मक है, कोई बताता है पॉजिटिव है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आप पूरा कंक्लूजन लोगे तो आपको एक ही चीज़ ज़्यादातर समझ में आएगी कि ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। एक समय था कि मेरे चैनल पे बहुत सारे दीपक के फूल के ऊपर वीडियो डाले थे, मैंने खुद डाले थे। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग कम से कम 100-200 वीडियो होंगे दीपक के फूल के ऊपर, एक समय था। उसके बाद से ऐसी भीड़ आई है, ऐसी भीड़ आई है इस टॉपिक को लेके, हर व्यक्ति अपनी ही बात बता रहा है। अब बात ये होती है कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको सच में अनुभव होता है, सच में उनके साथ में चीज़ें घटित हो रही होती हैं, वो अपने अनुभव बताते हैं। और बहुत सारे लोग बस कॉपी पेस्ट करते रहते हैं कि इसने ये बताया, बस उसी का वीडियो देखा और वैसी बातें बता दी। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या बताया, आपको जीवन में एक चीज़ समझनी चाहिए, कभी भी कुछ भी अगर आप देखते हो, कुछ भी समझते हो, किसी भी टॉपिक को सुनते हो, जब तक वो चीज़ें आपके साथ में नहीं घटित हो रही हैं तब तक आप उन्हें अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग साधक हो, आप में से बहुत सारे लोग नित्य पूजा करते हो, आप में बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग भक्ति से जुड़े हुए हो, कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा भी रहती है कि हाँ फूल बना है। देखिए, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैंने कई बार यही बात बताने की कोशिश की है कि हर आकृति को फूल मत समझिए। अब होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं कि ये कार्बन से बन जाता है, लास्ट में बाती को ऐंठ दो तो बन जाता है, ये कर दो तो बन जाता है, तेल में बनाओ, तेल में जलाओ तो बन जाता है, मतलब जुगाड़। हमें अपने पूजा में जुगाड़ नहीं लगाना है, हमें जैसे हम आज तक दीपक जलाते आए थे वैसे ही दीपक जलाइए, फूल स्वतः ही आएगा, जुगाड़ से कोई चीज़ नहीं करनी है। देखिए, कोई भी संकेत स्वयं प्रकट होता है तो ही संकेत माना जाता है, जुगाड़ बस अगर आप उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वो संकेत में नहीं गिना जाता है। कोई भी चीज़ स्वतः प्राप्त हो जाना एक अलग बात होती है, जबरदस्ती उसे प्राप्त करना एक अलग बात हो जाती है। दोनों में आस्था का महत्व है, विश्वास का महत्व है। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग का अर्थ ही हो गया, हजार में एक या दो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए, दीपक में फूल बनना भगवान की कृपा है। देखिए, लिखा कहीं कुछ भी नहीं है, अगर आप लिखने पर जाएंगे तो कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। लेकिन एक बात होती है अनुभव की, किसी संत के पास आप जाएंगे, किसी महात्मा के पास आप जाएंगे, किसी मार्गदर्शक के पास आप जाएंगे तो वो सारी बातें लिखी हुई आपको नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने कोई शास्त्रों का अनुभव नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होता है कि जो आपको सारी चीज़ें आपको बस जो लिखी वही बता दें। उनकी खुद की तपस्या होती है, उनके खुद के अनुभव होते हैं और सभी के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप जप करते हो, अगर आप पूजा करते हो और आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है तो आपकी पूजा और जप बेकार ही है। आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, जिसे आप गुरु मानते हैं उसने अपना जीवन बदला होना चाहिए, उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाए होने चाहिए, तब तो आप उसे देख के जप करोगे ना। एक जप होता है अपना जीवन बदलने के लिए कि हम बहुत परेशानी में चल रहे थे, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, उसके बाद हमारे जीवन में कोई गुरु आए जिनके सानिध्य में हमने साधना शुरू की, हमें बहुत सारे संकेत प्राप्त हुए और हमारे जीवन में बदलाव हो गया। एक तो ये बात होती है।
दूसरा अध्यात्म में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें मोक्ष चाहिए या हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं। हमें भगवान से कोई लालसा नहीं है, हमें जीवन में कुछ पाना नहीं है। तो ये चीज़ आती है तब जब आपके मन में विश्वास पैदा होता है, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही जीवन में आपकी गति चलेगी। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा गुरु स्वतः ही मिल जाएगा। बुरे कर्म करते रहिए, सबका बुरा सोचते रहिए, जब मौका मिले सबको बेमानी सबसे करते रहिए, किसी की अच्छाई मत करिए, लोगों को परेशान करते रहिए, गालियाँ देते रहिए, तो आपको फिर वैसे ही लोग मिलेंगे, धोखाधड़ी वाले, परेशान करने वाले, जीवन बर्बाद करने वाले। वहीं आपके अगर कर्म अच्छे होंगे तो देखिएगा, आपके जीवन में ऐसे लोग ही टकराएंगे जो आपका अच्छा करेंगे। स्वतः ही कुछ काम आपके स्वतः ही बनना शुरू हो जाएंगे जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, गुरु भी अच्छा मिलता है। उसके बाद जब आप साधना करते हैं तो साधना का फल भी आपको मिलना शुरू हो जाता है, जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के हुए भी हैं। आप खुद अपने जीवन को देखिए, जब से पहले की चीज़ें देखिए और जब के बाद की चीज़ें देखिए। देखिए, सब कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ नहीं बदलता है। आप सोचो कि हम भगवान का नाम लेके आज शेयर खरीद लें, कल वो दोगुने चार गुने हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उनके पूरी करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति था, उसने बोला कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, इतना धन चाहिए भगवान कि मैं सबको बांटूं। भगवान ने क्या किया, उसे कैशियर बना दिया बैंक में। अब वो बैंक में कैशियर है, पैसे बांट रहा है, पैसे आते हैं, पैसे बांटता रहता है, पूरे दिन पैसा बांटता रहता है, उसके हाथ में करोड़ों रुपए रहते हैं। तो भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हे भगवान मुझे इतना पैसा स्वयं का दो। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उस मांगने वाली चीज में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका हित हो, तो ही वो चीज़ें आपके हित के लिए होंगी, अदरवाइज बस दूसरों के लिए ही फिर होता रहेगा। जैसे आपको कुछ धन की आवश्यकता है तो आप ये मत कहिए भगवान से कि भगवान मुझे धन की आवश्यकता है, धन चाहिए। आप अपनी समस्या जो है उसको बताओ कि जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ, मुझे जीवन में इस चीज़ की आवश्यकता थी लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, भगवान मेरे मन की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के करने के लिए मुझे राह दिखाइए, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इस प्रकार से अगर आप बोलेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपको रास्ता दिखेगा और निश्चित ही आपकी चीज़ें भी पूरी होंगी। लालसा बस आप कुछ मत करिए, अगर लालसा बस आप कुछ करेंगे तो जीवन में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं, लालसा मन में रहती है, पूरी नहीं होती है, फिर वो कहते हैं नहीं साधना सही नहीं है, साधना से कुछ नहीं होता है, जब जाप से कुछ नहीं होता है, जीवन में धन पाना ही सब कुछ नहीं होता है। अध्यात्म में अपने आप को पहुंचा लेना, एक स्तर को पा लेना भी बहुत बड़ी बात होती है जाप के माध्यम से, और जाप से बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही आपको मिलना शुरू हो जाती है, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो आप मन का भ्रम है कि हमें मांगना पड़ेगा, ये उनके लिए सोच है जो कुछ करते ही नहीं है, जो करने के लिए सोच रहे हैं। एक वो व्यक्ति जो लगातार जप करता रहता है, साधना करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देते हैं। मेरा कहने का अर्थ यही था कि भ्रम में मत फंसिए, ज़्यादा इधर उधर दिमाग भी मत दौड़ाइए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ज़्यादा चीज़ें समझने के चक्कर में हम इतने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। दीपक में फूल बनने का अर्थ इतना समझिए कि बहुत अच्छी आकृति बननी चाहिए, जैसे हृदय के रूप में एक दिल के रूप में देखिए आकृति मेरे थंबनेल में बनी हुई है। इस प्रकार से अगर कोई आकृति बनती है, खासकर ऐसे व्यक्तियों के जो साधना करते हैं या जो जाप करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनके दीपक में भी ऐसी आकृति बनती है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ एक तो साधारण जो हमेशा सुनते रहते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी ऊर्जा से जुड़ा होता है। आपकी ऊर्जा का अर्थ है कि जो आप जाप कर रहे हो उस जाप से एक एनर्जी निकलती है।
आपके अंदर जो जीवात्मा है उसके पास भी एनर्जी होती है। जब आप जाप करते हो तो जीवात्मा की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में जब आप जाप करते हो तो आपने देखा होगा आपके सर दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप बैठ नहीं पाते हो, बहुत सारी विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, दिमाग नहीं लगता है, बार बार मन भटकता रहता है, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपका मन भटकना बंद हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि आपके जप में व्यवधान आना बंद हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि आपकी 11 माला हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि 11 माला हो गई, एक समय ऐसा आता है कि जब मंत्र का उच्चारण बिना बोले ही चलता रहता है। वो स्थिति जब आती है तो आपकी ऊर्जा बैलेंस अवस्था में होती है। देखिए आग क्या है, आग एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आप बैलेंस रखते हो, उसको संभाल के रखते हो तो आपके जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर वो फैल जाए, गलत तरीके से इधर उधर लग जाए तो सबको जला के राख कर देती है। ऐसे ही हमारे जप की ऊर्जा भी होती है, उसे हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है, जिससे वो बिखरे ना, ख़त्म ना हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं, जाप करते हैं, वो बिखरे ना, आसन पे बैठ के करते हैं, जिससे वो ऊर्जा आपकी ट्रांसफ़र ना हो। कई चीज़ें हम लोग करते हैं पूजा करने के बाद या जाप करने के बाद, थोड़ी देर बैठे रहते हैं आसन पे, जाप वाली माला को गले में पहन लेते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा जो है केंद्रित हो जाए, जीवात्मा में समाहित हो जाए। कई चीज़ें हम लोग कई प्रयास करते रहते हैं। तो जो दीपक में फूल बन रहा होता है हृदय के रूप में, जो व्यक्ति जाप करते हैं वो ये दिखाता है कि आपकी ऊर्जा संतुलित अवस्था में है, असंतुलित नहीं है। अगर असंतुलित होगी तो उसमें आकृति अलग सी बनेगी, डिफरेंट तरह की बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कोई आकार नहीं होगा उसको, आप समझ नहीं पाएंगे क्या बना हुआ है। या फिर अगर कोई आकृति ऐसी बनती है जो साफ समझ में आए, डमरू बनाए तो बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए, ज़बरदस्ती ढूंढने का प्रयास मत करिए, अगर त्रिशूल बनाए तो साफ समझ में आना चाहिए। वैसे विरले ही होता है, ऐसा नहीं कि सभी साथ ऐसा हो जाए, लेकिन होता अवश्य है, ऐसा नहीं है, ये सब ऊर्जा का ही खेल है, ये आपके जाप की ऊर्जा है। तो अगर कोई आकृति बनती है तो वो बिल्कुल स्पष्ट बननी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कीट पतंगा बन गया, उसको आपने फूल समझ लिया और बोला फूल बन रहा है, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। सबसे पहली बात यह है कि भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, भगवान से आप जुड़े हैं और आपके मन में विश्वास नहीं है, तो भगवान है ही नहीं आपके लिए। खासकर पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आपको भगवान दिखेंगे नहीं, हर जगह आपको विश्वास ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी, संकेत आपके साथ में घटित होंगे, आभास आपके साथ में घटित होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होना आप स्वयं महसूस करेंगे, उन्हीं संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी होती है। अब हम घर में पूजा पाठ करते नहीं हैं, जाप करते नहीं हैं, तो आप खुद सोचो जो आपके साथ में शक्तियाँ हैं वो आपका साथ कैसे देंगी। जाप एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आपके आसपास की दैवी शक्तियों को पावर मिलती है, चाहे वो आपके पितृ देवता हों, घर के देवता हों, ग्राम देवता हों, क्षेत्रपाल भगवान हों, स्थान के देवता हों, या फिर आपके कुल देवी देवता हों, इन सबको आपके जाप से ही ऊर्जा मिलती है। जब इन्हें ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है तो ये आपका जीवन बदलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनको ऊर्जा मिलेगी नहीं, इनके पास पावर होगी नहीं, तो ये आपकी मदद कैसे करेंगे। तो जाप बहुत आवश्यक है। अगर आपके जीवन में दीपक में फूल बनता है तो जाप करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और जो लोग जाप करते हैं उनके अगर बहुत अच्छा सा फूल बन रहा है तो उनकी ऊर्जा संतुलित है, संतुलित हो रही है, वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कंट्रोल का अर्थ ये हो जाता है, संतुलन का अर्थ ये हो जाता है कि आप अपनी ऊर्जा को अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। किसी व्यक्ति की बीमारी दूर करनी है, किसी व्यक्ति का सर दर्द दूर करना है, किसी व्यक्ति की परेशानी दूर करनी है, वो शक्ति आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। भविष्य की बातें मतलब सोच लेना, भविष्य के बारे में हल्की हल्की जानकारी आ जाना, ये आपके जप की ऊर्जा करने लगती है। जप की ऊर्जा से आप लोगों की सही सही बातें बताना शुरू कर देते हैं। जप की ऊर्जा से आपको सही रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। जप की ऊर्जा से आप कुछ ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो जीवन में आपके लिए फलदायी होते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जो पूछना चाहते हैं पूछिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।